Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more updates. क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान के जो साइंस है, जो अलामात है, उसमें नंबर वन ये है कि ही और शी विल बी फियरलेस, फियरलेस, उनको डर नहीं होगा, बिकॉज ही और शी विल बी गोल्ड फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से जो है वो क्या होगा, सोना है वो, ठीक है। उसको ये एहसास जुर्म, एहसास गुनाह, मैंने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने रोजा रखा नहीं रखा, मैं दोजख में जाऊंगा, मैं जलूंगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में द वन ऑफ द साइन ऑफ स्पिरिचुअल पीपल इज दैट दे आर फियरलेस, फियरलेस, बेखौफ होते हैं वो हर वक्त, दे आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज दे आर सेजेस ऑफ द एजेस, S-A-G-E-S, sages of the ages। अच्छा, जब मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आती ना, या किसी लफ्ज की समझ नहीं आती, उसको नोट करें और फिर डिक्शनरी में उसको देखा करें या गूगल में उसको देखा करें। और मैंने आपको कहा ना sages of the ages, हो सकता है आपको समझ नहीं आए और मैं जल्दी में हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, तो आप उसको नोट करें और फिर उसको गूगल में डालें कि सेज का क्या मतलब, S-A-G-E। तो they are sages of the ages, they are fearless, they have a deep purpose of life, deep, wo gehre insaan hote hain, wo superficial insaan nahi hote, wo sadhi insaan nahi hote, wo upar upar nahi rehte, wo zahir pe itna believe nahi karte, wo andar ka jo strength hai, they are so strong from inside that they are always happy, they are always the same, they do not have mood swings, they are consistent, they are perseverant। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं हमेशा एक जैसे होते हैं, ये मूड स्विंग उसको नहीं आती कि जी आज मेरी तबीयत खराब है तो आज मेरी तबीयत ठीक है, तो आज ये हो गया तो वो हो गया, they never get any disease, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती, they are healthy all the times, क्योंकि अंदर से कोई फियर है नहीं, और बॉडी में भी कोई गंद वाला नहीं है, दिमाग में भी गंद वाला नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे है। They are pure from inside and outside. They are original. They are authentic. They are genuine. They are true people. They are not false. अब एक बड़ी दाढ़ी वाला बंदा होगा, पांच वक्त नमाज भी पढ़ा होगा, लेकिन जब दूध बेचता है तो दूध में पानी डाल के बेचता है, मसालों में जो है वो हींग डालता है, तो वो रिलीजियस है लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में ये फर्क है कि रिलीजन जो है उसका जोर जाहिर पे ज्यादा होता है, रिचुअल्स पे ज्यादा होता है, उसकी अपनी फिलॉसफी है, भाई जी आपने नमाज पढ़नी है तो आपने मस्जिद में पढ़नी है, क्यों, ताकि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी और लोग नजर आ जाए, ताकि एक ग्रुप नजर आ जाए। अब स्पिरिचुअल बंदा जो है वो ग्रुप शुप पे यकीन नहीं करता, वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वो अगर नमाज पढ़ता भी है तो अकेले पढ़ता है, आराम से पढ़ता है, खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, उसको उस नमाज पढ़ने में मजा, उसको इस जो वो है रिया है या एग्जिबिशनिज्म जिसको कहते हैं, एग्जिबिशनिज्म, अपने आप को लोगों को दिखाना कि जी मैं बड़ा नमाजी हूं, मैंने आज रोजा रखा है, सारा दिन जो है ये कहते हैं ओ जी मेरी तबीयत आज खराब है, मुझे सख्त भूख लगी है और चेहरा पीला है, क्यों जी मुझे रोजा है और रोजा मुझे लगा है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो रिलीजियस जरूर होते हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं होते, वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, वो अंदर से सही नहीं होते, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ट्रू यू कांट फाइंड ट्रुथ। बहुत बड़ा अलमिया है, लोग ये कहते हैं कि मुझे ट्रुथ नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करता, मैं टाइम टेबल बनाता हूं उस पर अमल नहीं करता। रीजन ये है कि ये बंदा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। सो व्हेन यू आर फॉल्स यू कांट फाइंड द ट्रुथ। आपको भूख नहीं है तो आपके पास खाना कैसे आएगा, आपको भूख लग जाएगी तो फिर आपके पास खाना आएगा। अगर आप खुद ट्रू है, बिकॉज गोल्ड अट्रैक्ट्स गोल्ड, लव बिगेट्स लव, मनी बिगेट्स मनी, ये नेचर के कानून है।
अगर पास थोड़ा पैसा है तो ये पैसा बढ़ता गया, गरीब जो है गरीब तर हो जाता है, अमीर जो है वो अमीर तर हो जाता है। वाई गेट रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। गरीब गरीब दंसा जाता है, वो हमेशा गरीब ही रहता है। मालदार जो है वो अमीर होता जाता है, क्योंकि लव जो है वो लव बिगेट्स लव, मनी बिगेट्स मनी। तो अब जो ट्रू लोग होते हैं उनको ट्रूथ मिल जाता है, जो खुद मुनाफिक है, खुद दो नंबर है, वो ट्रूथ मुथ के चक्कर में किधर आएगा? तो उनको पता ही नहीं, को फील ही नहीं कर सकता, उसकी आंख ही नहीं है कि वो ट्रूथ को दे सके, वो खुद ही फाल्स है। एक बंदा अंधा है तो उसको सामने का दीवार कैसे नजर आएगा? दीवार देखने के लिए कम से कम आप आंखें तो खोलो। दोज हु ड्रीम दे वेक अप टू मटेरियलाइज देयर ड्रीम। जो लोग ख्वाब देखते हैं तो उनको जागना पड़ता है ताकि अपने ख्वाब को पूरा करें। आप सिर्फ ड्रीम ही देखते रहे और आप जागते नहीं है, आप में कॉन्शियसनेस नहीं है, आप में कॉन्शियंस नहीं है, जमीर नहीं है, आप में शऊर नहीं है। एक है कॉन्शियसनेस शऊर, एक है कॉन्शियंस कॉन्शियंस। जो लोग नाकाम होते हैं ये दो नंबर लोग होते हैं, ये लोग सही नहीं होते, जिनसे गलतियां होती है, जिनको नाकामी होती है, फेलियर होता है, उनका कोई उल्लू सीधा नहीं होता, उनका कोई काम ठीक होता नहीं है, कोई रिजल्ट आता नहीं है, तो ये लोग असल में फाल्स होते हैं, ये झूठे लोग होते हैं। तो झूठा बंदा जो है फिर उसके पास सक्सेस कहां से आएगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।